जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दसवों अध्याय जी का है, उन्नो पैंताल गलत कर दियो मैं, दसवों स्कंद ऐसा पैंतालीसवों अध्याय है। और जी को अध्याय इन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी रहा यज्ञोपवीत और गुरुकुल में प्रवेश रो संदर्भ है। तो शुरू कर दो सर। श्री सुखदेव जी कहवे, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण देव क्यों कह माता पिता ने मारे ऐश्वर्य और मारो जी को भगवत भाव है उन्हीं ठा पड़ गई है, पर एडो यो ने ठा हु जावेला तो ठीक नहीं रही, क्योंकि उन्हें पुत्र स्नेह और सुख मिल नहीं सकेला पुछे। तो होशने में उन्हें माता अपनी योग माया फैला दी। उन्होंने कही हो कि वाह जी का योग माया मुख दुखिया जरा उन्हारी लीला रे मोने सहायता रे। यदि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी रहते आप माँ बाप कहने जाने आदर पूर्वक विनय झुकने कहे माता जी पिताजी और यू कह दो पौने भाई मम्मी पापा या ए यू कहा कि भाई राजी हो जाने कह पापा मम्मी मैं तो आपका टाबर हूँ न आप वास्ते मोने हमेशा मन में रहे कि आप हाथ पे रहो, पर आप मोरे बालपन रहो मोरे किशोरावस्था भी सुख मऊ आपने मिल नहीं सकियो। एडी कुछ लीला रही दुर्दैव वश मोने आप कने रहो सौभाग्य को नहीं मिलियो। तो इन कारण कही है जी का टाबर माँ बाप रखने रहने घर में जी को लाड ने प्रेम मिले है वो सुख मोने मिल नहीं सकियो। माता पिता ही शरीर ने जन्म देवे इन लालन पालन करे जरे करी हो जाने हो शरीर जी को है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष री प्राप्ति रो साधन बने। पर कोई मनुष्य 100 वर्षों तक जीने भी माता पिता की सेवा करती रहे करते रहे तो भी जिको उपकार माता पिता उन्होंने करियो है उन वो ऋण हु को नहीं सके। और जिको पुत्र मोन सामर्थ्य रेव तो आपरे माँ बाप री शरीर और धनु सेवा नहीं करे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं उन मरण पचो यमदूत उन्हें उन्हें आपरे शरीरों मांस तक खवा दे खुद रे शरीर हो। जिको पुरुष समर्थ उन्हें बूढ़ा माँ बाप और जिकी उन्हें प्रति सतृत्व भाव रखने वाली उन्हें भार्या उन्हें बहू है पत्नी है और बालक संतान गुरु ब्राह्मण और कोई शरण में आए हुए उन्हें भरण पोषण नहीं करे तो वो जीव तो जी मयड़ जड़ ही है। पिताजी मोरा इतना दिन तो यूं ही बीत गया वो कंस रो डर हमेशा रहे हो चित्त उद्विग्न रहे हो तो इन कारण आपकी सेवा कर नहीं सके असमर्थ रहा ने माता जी पिताजी आप दो ही मोने क्षमा करो। कृष्ण भगवान कह रहे अरे वो दुष्ट कंस आपने इतना इतना कष्ट दिया पर मैं परतंत्र रहने कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा भी जी कर नहीं सकिया। श्री सुखदेव जी कह परीक्षित आपकी लीला मनुष्य बनेड़ा विश्वात्मा श्री वाणी मोहित हो गया देव के रुसदेव जी उन्हें गोदी में बिठाया हृदय चिपकाने परम आनंद की प्राप्ति हुई। राजन वे स्नेह पाशु बंद ने पूरी तरह मोहित हो गया उन्हें लागे मोरा टाबर ही है बेटो ही है मेरा आंसू टप टप बहुन ला गया मेरा अभिषेक करने लग गया आंसू कृष्ण भगवान रो और पचे कही बोली जी कुन दियो गलो रूंद गयो देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण जी आपके माता पिता ने देखो राजी कर रहे हो तो भी रोवाणी हो ठाकुर जी री लीला कह रही माता पिता ने सांत्वना देने भी आपने नाना अग्रसेन ने यदुवंश रो राजा बना दिया और उन्होंने कहा महाराज मैं तो आपकी प्रजा हूँ आप मोर माते शासन करो। राजा या तीर शाप पूर्ण कारण कोई भी यदुवंशी राज सिंहासन माते बैठ को नहीं सके पर मारी अड़ी इच्छा इन वास्ते आपने की दोष खोनी वाला जब मैं सेवक बनने आपकी सेवा करते ना बोला तो बड़ा बड़ा देवता भी सिर झुकाने आपने भेंट दे वेला तो चाहे दूसरा नरपति होने तो बारे में क्या होना चाहिए। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व का विधाता है वे कल स्वरूप भरे हूँ जी का डरने अट्यूटी भाग्य आ वे यदु वृष्णि अंधक मधु दाशार और कुक्कुर बीजा जी का वंशानी वो इन सब सजातीय संबंध में जो जो ने बुलवाया करो वो कट्टा है उन्हें कहे अपने कृष्ण भगवान आइए जिरहेंग उठाने और घरों बारे रहने वे हैंगे उन्होंने तकलीफ हुई एक हुआ करनी रिफ्यूजी बनने कट्टे जान रहे वे अड़ो भगवान में पच आया जो है ना सत्कार पुनर्वास करा दियो जा मेरे उन्होंने खूब सांत्वना दी धन संपत्ति देने तृप्त करियो और आप अपने घर में बसा दियो। अब अटी ए सारा सारा यदुवंश जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रो मेठा बहुवली अपना है उनकी कृपा में कोई तकलीफ को नहीं कोई दुख को नहीं और सारा मनोरथ सफल हो गया वे कृतार्थ हो गया। अब वे आप अपने घर में आनंद विहार करने लग गया। भगवान श्री कृष्ण रो जी को बदन मतलब उन्हें जी को फॉर्म हुए जी को स्वरूप है नी वही आनंद रो सदन है उड़ित प्रफुल्लित कदी भी कुमलावे को नहीं अड़ो कमल है उन्हों सौंदर्य अपार है एकदम दयावान और हास और मेरी चित्तों मेरे माते मुख माते यूं नाचती रहे मुस्कान। यदुवंशी
वो मेरा दर्शन रात दिन मतलब दिन प्रतिदिन करता करता एकदम आनंद में मगन रहता हूँ। थोड़ा वृद्ध पुरुष भी युवक आज एकदम ही मतलब कृष्ण भगवान दर्शन तो बल आ गया और उत्साह बढ़ गया यार, क्योंकि वे आपरे नैनो बार बार भगवान रे मुखारविंद्र जी को अमृतमय मकरंद रस हो उन्हें पान करता रहता है। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी दो ही नंद बाबर कहने आया गड़े लगन बाजू में, क्यों लगे पिताजी आपने और माँ यशोदा ने बहुत स्नेह और दुलारो मोरा लालन पालन करियो, इनमें कोई संदेह नहीं है कि माता पिता संतान माते आपके शरीर को अधिक स्नेह रखे, जिका पालन पोषण नहीं कर सके वे स्वजन संबंधियों ने त्याग उन बालकों ने जिको लोग पुत्र जो आपरो लाड प्रेम देवे है वही वास्तव में मेरा माँ बाप है। अब देखो कृष्ण भगवान री स्टाइल है नी, पहली उठी कही गया देवकी जी ने बात तो दो ही सही कह रहे हैं पर दो ने राजी राखन में ठा है, तो पिताजी वे कहे अब आप लोग ब्रिज में पधारो, इनमें संदेह नहीं कि मोरा बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आपने बहुत दुख वेला अटेरा सूर्य संबंधियों ने सुखी करने आप लोग मिलने आई आओला। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा ने दूजा ब्रिजवासियों ने हम जा बुझाने पाचा काफी रेस्पेक्टफुली मैंने कपड़ा भीजा गहना भीजा और तरह तरह की धातुओं बड़ी पासण बासण भी या बर्तन भी या देव ने मैंने बहुत सत्कार करियो। भगवान की बात उन्होंने नंद बाबा प्रेम अधीर उन्होंने दो भाइयों ने गले लगा लियो, पची मेरी आंखों में भी आंसू आई गया, गोपो रहते हुए ब्रिज में प्रस्थान करियो। कहे राजे ने बाद वसुदेव जी आपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरा ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञों पवित्र संस्कार करवाए, वे विविध प्रकार का वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों का सत्कार करने हुए बहुत सी दक्षिणा और बछड़ों वाली गायों दे दी, सभी गायों गले में सोनेरी माला पहरी ओढ़ा और बहुत सा आभूषण और रेशमी वस्त्रों की मालाओं विभूषित थी। महामती वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रहे जन्म नक्षत्र में जितनी गायों मन मन में संकल्प करियो कि मैं इतनी दान करूंगा, वो पहली तो कंस हुए ने अन्याय करने में खोस ली गए, अब उन्हें याद अब उन्हें याद करने में ब्राह्मणों ने पांचों गायों दान में दिया। ये यदुवंश्री आचार्य गर्गी संस्कार कराने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व द्विजत्व के भाई दूसरों जन्म जरा जन्म पत्र जरा जने हुए हैं तो कि उन्होंने पांचों जन्म हुए उन्होंने संस्कारित हो जावे के भाई गायत्री में तो ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो हो ही जाओ। अब गायत्री पूर्वक अध्ययन करने वास्ते वे उन्हें नियमित स्वीकार कर लियो। श्री कृष्ण बलराम जी जगत रा एकमात्र स्वामी है, उन्हें हैंग ठा है, सर्वज्ञ है, सारी विद्याओं उन्हीं प्रकट हुए हैं और निर्मल और ज्ञान जी को है वो तो स्वतः सिद्ध है, तो भी मनुष्य की लीला करने वे उन्हें छिपारा कियो। वे दो जना गुरुकुल में निवास करने इच्छाओं काश्यप गोत्री हा सांदीपनी मुनि जी उन्हें कहने जिका की अवंतीपुर उज्जैन में रहता, वे दो ही भाई विधि पूर्वक गुरु जी कहने रहने गया। उन टाइम वे बहुत सुसंयत था अपनी चेष्टाओं ने एकदम नियमित राखी उड़ा, गुरु जी तो मेरा आदर करता ही जा, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भी गुरु जी की उत्तम सेवा की कर करनी चाहिए, इन आदर्श लोगों के सामने रखता बहुत भक्ति हूँ इष्ट देव वैजू उन्हें आप इष्ट देव वैजू राख ने मेरी सेवा करने लगा। गुरुदेव सांदीपनी जी और शुद्ध भाव युक्त सेवाओं बहुत राजी हुआ। वे दो ही भाइयों मतलब श्री कृष्ण भगवान बलराम जी ने छह ही अंग उपनिषदों और सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी, इन्हें सिवा मंत्र और देवताओं रे ज्ञान रहते धनुर्वेद मनुस्मृति बीजा जी का धर्मशास्त्र है मीमांसा बीजा वेदों और तात्पर्य बताने वाला शास्त्र तर्क विद्या ऐसा भी शिक्षा दी। हाथे आते हुए संधि विग्रह ज्ञान आसन वेद और आश्रय छह वेदों युक्त राजनीति रो भी अध्ययन कराया, पॉलिटिक्स भी बाकायदा गुरुकुल में कृष्ण भगवान और बलराम जी पढ़िया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सारी विद्या और प्रवर्तक है पर इन टाइम वे श्रेष्ठ मनुष्य रो व्यवहार करता है एकदम अध्ययन करता है और गुरु जी ने कहे हूँ एक बार कहे हुए ने हरी विद्याओं सीख लिया तो केवल 64 दिन में रात मतलब रात भी पकड़ लो 64 दिन राधर मोहन संयमी आके वे एकदम संयमी शिरोमणिया कितना तो संयम राख सके उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संयम रखने वाला दो ही भाई 64 कलाओं रो ज्ञान प्राप्त कर लियो। यू अध्ययन भी जो पूरा एजुकेशन पूरा हो गया पे शांतिपुरी में प्रार्थना करिए कि आप जितनी भी आप आदेश करो सर गुरु दक्षिणा मांगलो सर महाराज शांतिपुरी मुनि और अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि और अनुभव कर लियो इन वास्ते भी आपकी पत्नियों सलाह करने आ गुरु दक्षिणा मांगी। देखो गुरु जी भी समझदार है पहली आपकी पत्नी ने जाना पूछ गुरु दक्षिणा मांगो एक दे सके तो वे पत्नी जी गावे कहे कि वो प्रवास क्षेत्र में हमारा टाबर जी को समुद्र में डूबने मर गयो पाचे लेना जाओ। अब देखो एडी एडी जी की गुरु दक्षिणा है वे ठाई क्या कौन है मोंगी लेकिन मोंगी भी आपकी पत्नी सलाह करने तो
तो बलराम जी ने श्री कृष्ण रो पराक्रम तो अनंत हो दो ही महारथी बहुत अच्छा कहने गुरु जी ने आगे स्वीकार कर ली। रथ माते सवार हुए प्रवास क्षेत्र में गया डग 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 पर समुद्र तट माते जाने थोड़ी देर बैठ गया। उन टाइम ओ समझ में आई गयो हो कि साक्षात परमेश्वर है तो समुद्र खुद तरह तरह की पूजा सामग्री उपस्थित हो गया। भगवान ने समुद्र ने यू कहो कि समुद्र तू अट बड़ी बड़ी तरंगों महाराज जी गुरु पुत्र बाहर ने ले गयो कह रहे मैंने पाछो लेना जा झट वो मनुष्य रूप में आयो समुद्र हो के देवादेव श्री कृष्ण मैं को नहीं ले गयो उन्हें मारे पौनी रमोने पंच जन नाम रो बहुत भारी दैत्य जाति रो असुर शंख रे रूप में रहे वो ही चुरा ने ले गयो बालक ने समुद्री बात उन्हें भगवान फट फट पौनी रमोने प्रवेश और जान शंखासुर ने मार काट गया पर उन्हें पेट में बालक मिलियो को नहीं जरे उन्हें शरीर और शंख लेने भगवान रथ माता आई गया उठ बलराम जी राते श्री कृष्ण भगवान यमराज जी प्रिय पूरी संयमिनी में गया उठ जाना आप शंख बजाया पच्चे कही हुए सा शंख री आवाज होनी जरे सारी प्रजा रो शासन करण वाला यमराज आया स्वागत करियो और भक्ति भाव मेरी विधि पूर्वक पूजा करी ने नम्रताओं झुक ने सभी प्राणियों हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहो लीलाओं जी मनुष्य बनियोड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर मैं आप तो मेरी कई सेवा करूँ सा तो भगवान कहो यमराज अटे आप कर्म बंधन के अनुसार मारो गुरु पुत्र आप लेने आई गया हानि मारी आज्ञा स्वीकार करो उन्हें कर्म में तो ध्यान नहीं दो उन्हें मार्गन लेना जाओ यमराज कहो जो आज्ञा है भगवान आदेश स्वीकार करियो गुरु पुत्र लेने आई गया जब यदुवर शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उन बालक ने लेने उज्जैन पाछा आया और गुरुदेव ने उन्हें सौंप दिया और कहो कि आप और भी जी को कि मांगनी चाहो तो मांग सको गुरुदेव के बेटा थे दो ही जना भली भांति गुरु दक्षिणा दी है और कहीं चाहिए जी को थोड़े जड़े पुरुषोत्तम और गुरु है उन्हें किसो मनोरथ पूर्ण रह सके वीरों अब थे आप अपने घरे जाओ और लोगों ने पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हुए थे उन्हें थोड़ी पड़ी जड़ी विद्या इन लोक और परलोक में हमेशा नवीन रहे कदी भी भूलो नहीं उन्हें बेटा परीक्षित पचे गुरु जी आगे ले ने वायु री जड़ी तेज गतियों और बादलों रे जड़े शब्द वाले रथ माते बैठने दो ही भाई डक टक कटे आ गया मथुरा। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों श्री कृष्ण बलराम जी ने नहीं देख सकी है तो बहुत दुखी हो गया अड़ लागियो कोई परमानंद मोने मगन हो गया वे अड़ लागियो कोई बहुत बड़ो खजानो गमगियोड़ो पछ लाद गयो खजानो तो लग गयो पर अटकई हुयो कि ओ भागवत जी रे दसवें स्कंद रो और जी को 45 अध्याय है निशा ओ है संपन्न तो एक तो ठाकुर जी री कृपा रो स्मरण करता श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आ रसरी जी की एक प्रवाह री एक भावधारा बनियोड़ी है उन्हें लेने में अब संस्कृत रे मोने इन पाठ करणो ठाकुर जी रे चरणों में दंडवत करने प्रयत्न करूं सा करूं जय श्री कृष्ण। अद पंचचत्वारिंशोऽध्याय श्री शुक उवाच पितरावुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजामायां तत्तां जलमोहिनीं उवाच पितरावित्य साग्रज सात्वतर्षभः साग्रज सात्वतर्षभः प्रश्रया वनत प्रीणन नंब तातेति सादरम नास्मत्तो यो योस्तात नित्यो कंटित योरपि बाल्यपौगंड कैशोरा पुत्राभ्याम भवन पचित न लब्धो दैव हतयोर्वासो नो भवदंतिके यां बाला पित्र गेहस्ता बिंदन्ते लालिता मुदम सर्वार्थ संभवो देहो जनित पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मर्त्य शतायुषा यस्त्वयोरात्मज कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम् न दद्यात् प्रेत्य स्वमा संखादयन्ति हि मातरम् पितरम् वृद्धम् भार्या साध्वीम् सुतम् शिशुम् गुरुम् विप्रम् प्रपन्नम् च कल्पो बिभ्रच्छ वसन्नृतः तन्नावकल्पयो कंसा नित्य मुद्दिग्न चेतसो मूयमेते व्यतिक्रांता दिवसा वामनर्चतो ततक्षन्तुर्महर्थस्तात् मातर्नोपरतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्धदावृषम् श्रीशुक उवाच
इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहिदामङ्कम् आरोप्य परिष्वद्यापत्तुर्मुदुम् सिञ्चन्त्वाश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चाद्रतौ न किञ्चिदूतराजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ एवमाश्वास्य पितरौ भगवान् देवकी सुतः मातामहं तुग्रसेनं यदूनाम करो नृपम् आह चास्मान् महाराज प्रजाशाज्ञाप्तुमर्हसे ययातिशापाद्यद्भिर्नासीतव्यं नृपासने मयि वृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः वलिं हरन्त्यवनता किमु तान्ये नराधिपाः सर्वान् संज्ञाजित्य सम्बन्धान् दिग्ध्यः कंसभयाकुलान् यदुव्रश्न्यन्धकमधुदाशार कुकुरादिकान् सबीजातान् समाश्वास्य विदेशावासकर्षितान् न्यावासत् स्वगेहेषु वित्ते संतर्प्य विश्वकृत् कृष्ण संकर्षण भुजैर्गुप्ता लब्ध मनोरथाः ग्रहेषु रेमिरे सिद्धा कृष्णराम गतज्वराः विक्षन्तो हरः प्रीता मुकुन्द वदनाम्बुजम् नित्यं प्रमोदितं श्रीमत् सदस्य स्मित वीक्षणम् तत्र प्रवय सोप्यासन् युवानोति बलौजसः पिबन्तोक्षेर्मुकन्दस्य मुकाम्बुज सुदाम्बुः अधनन्दं समासाद्य भगवान् देवकी सुतः सङ्कचणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमुच्युतुः पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पौषितौ लालितौ कृशम् पित्रोरभ्यधिका प्रीतेरात्मज्येष्वात्मनोपिः स पिता सा च जननीयौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत् शिशुन् बन्धुभिरुत्सृष्टान् कल्पे पौषरक्षणे यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातीन् वो द्रष्टुमेष्यामौ विनाय सुहृदां सुखम् एवं सान्त्वय भगवान्नन्दं स व्रजमच्युतः वासोऽलङ्कारकुप्यादेर्हयामास सादरम् इत्युक्स्तौ परिष्वज्य नन्द प्रणयविह्वलः पूरयन् श्रुभिर्नेत्रे स गोपेर्वजं ययो अथ शूरसुतो राजन् पुत्रयो समकारयत् पुरोदसा ब्राह्मणेश यथावद्विज संस्कृतम् तेभ्यो दाद दक्षिणा गावो रूपमाला स्वलङ्कृताः स्वलङ्कृतेभ्य सम्पूज्य स वत्सा क्षौममालिनी यः कृष्णराम जन्नर्क्षेर्मनोदत्ता महमतिः ताश्चा ददाद नुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हृताः ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गार्यदु यदुकुलाचार्याद् गायत्रं वृत्रमाश्रितौ प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरौ नानि सिद्धामलज्ञानं गूहमानो नरेत् अतो गुरुकुले वासमिच्छन्ताभूपजग्मतुः काशं सान्दीपनीं नाम यवन्ति पुरवासिनं यथोपसाद्यतौ दन्तौ गुरुवृत्तिमनन्दिन्तां ग्राहयन्तावुपेतो स्म भक्त्यादेवमिवादृतो दयोर्द्विजवरस्तुष्ट शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरुः स रहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्यायपथांस्तथा तथा चान्दीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधां सर्वं नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ सकृन्निगदमात्रेण तौ सञ्जग्रहतु नुर्प्र अहोरात्रेश्चुतुष्टव्या संयतो तावती कलाः गुरुदक्षिणयाचार्यं छन्दया मासतुर्नृप द्विजस्तोयिस्तं महीमान मद्भुतं संलक्ष्य राजन्नति मानुषीं मतिं समन्त्र पत्न्यास महार्णवे मृतं बालं प्रभासे वरयाम्बभुवः तथेत्यथारुह्य महारथो रथं प्रभासमासाद्यं दुरन्त विक्रमौ वेलामुपव्रज्य निषीदतु क्षणं सिन्धुर्विदित्वारहणमाहरत्तयोः तमाह भगवानाशु गुरुपुत्र प्रदीयतां यो सा विह त्वयाग्रस्तो बालको महतोर्मिणा समुद्र उवाच निर्वाहर्षमहं देव दैत्यपञ्चजनो महान् अन्तर्जलचरः कृष्ण शङ्करूपनरोऽसुरः
आस्ते तेनारतो नूनम तच्छुत्वा सत्परं प्रभु जलमाविशतम मत्वा नापश्य दुदरेभकम् नापश्य दुदरेभकम् तदंग प्रभुम् शंकमादाय रतमागतम् मागमत् ततः संयमनी नाम यमस्य दयितांपुरीं गत्वा जनार्दन शंकं तदद्मोसलायुध शंकनिर्हारमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः तयो सुपर्या महतीं चक्रे भक्त्युपमृताम् उवाचावनत कृष्णं सर्वभूताशला शयालयं लीलामनुष्य हे विष्णो योयो करवां किं श्री भगवान वाच गुरुपुत्र मेहानीतं निज कर्म निबंधनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत तथेदीतेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमौ दत्त्वा स गुरवे भूयो वृष्णेष्वेति तमुचतु। गुरुरुवाच सम्यक् संपादितो वत्स भवद्भ्यां गुरु निष्क्रियः कोनु युष्माद्विद् गुरो कामानाम वशिष्यते गच्छत्तं स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वा मस्तु पावनि छन्दास्य यातयामानि भवन्तीह परत्र च गुरुणेव अनुज्ञातो रथे नाली रहंसा आयातो स्वपुरं तात पर्जन्येन देन वै समनन्दनं प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनौ अपश्यन्त्यो बहुहानि नष्ट लब्ध धना इव। अपश्यन्त्यो ब्रह्महानि नष्ट लब्ध धना इव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वादे गुरुपुत्रानयनं नाम पञ्चचत्वारिंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा गिराज धरण की, जय आज के आनंद की जय।